हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल ग्लैमर ब्यूटी एंड टिप्स। तो गाइस, आज मैंने बहुत लाइट मेकअप किया हुआ है और लाइट ज्वेलरी भी पहनी है। एक सिल्वर प्लेटेड चोकर है और इयर रिंग्स हैं। और इस साड़ी को मैंने आज रेड ब्रोकेट अपने फ्रिल्स वाले ब्लाउज के साथ मैंने पेयर अप किया हुआ है फॉर द कॉन्ट्रास्ट। और आज जो मैंने साड़ी पहना है गाइस, आज मैंने टोटल उल्टे प्लीट्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में आगे बने रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लीट्स हैं मेरे, मैंने उल्टे पहने हैं और बेयर फुट हैं, मैंने शूज़ नहीं पहना है। तो आप लोगों को कैसा लगता है मेरे वीडियोस, कमेंट में बताइएगा। और इसके साथ ही मैं स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। तो जो साड़ी की फर्स्ट टकिन है, उसको मैंने राइट हैंड साइड से ही अपना जो टकिन है मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन जो प्लीट्स बनेगा वो बिल्कुल उल्टा बनेगा। तो मैंने थोड़ा जो रूल्स होते हैं साड़ी ड्रेपिंग का, उसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया है आज। तो आई होप कि मैं ज़्यादा बुरी नहीं दिख रही हूँ और ठीक ही दिख रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ऐसे उल्टे प्लीट्स के साथ साड़ी कैसी लगती है। तो जो प्लीट्स है उसको तो उल्टा बनाना है। जो शोल्डर प्लीट्स हैं मैंने आज उसको खुला छोड़ा है, तो रफली एक बना ले शोल्डर के लिए अपने पल्लू को, और फिर अपने लेफ्ट हैंड शोल्डर के ऊपर ले ले थोड़ा लंबा करके, हाइट के अकॉर्डिंग ही ले इसको। और इसके बाद जो करना है, जो बॉर्डर है उसको मुझको लेना है, तो इसको मुझको घुमा के सामने में लेके आना है। तो मैं लेके आई। तो नॉर्मली जो साड़ी की बॉर्डर होती है उसको हम पिन करते हैं सामने में ऐसे घुमा के, लेकिन मैं आज दूसरे वाले साइड से बॉर्डर को लेके अपना पिन करूँगी। मैंने कॉन्फिडेंटली ये वाला प्लेटिंग किया हुआ है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर ऐसे उल्टे प्लीट्स कैसे लग रहे हैं साड़ी पे। तो अब मुझको ऐसे उल्टे से कमर के साइड से अपने प्लीट्स बनाते जाना है। तो मैं बना रही हूँ। ऐसे उल्टे प्लीट्स हम असामीज जो ड्रेस होता है मेखला चादर में, वहाँ पे देखते हैं बनाने के लिए, वहाँ पे बनता है। तो मैंने वैसा ही आज ट्राई किया है ये 6 यार्ड साड़ी के साथ। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हाथ से जमाते जाए, जैसे हम नॉर्मल प्लीटिंग करते हैं वैसे ही प्लीट्स बनाते जाए। तो मैंने वैसे ही प्लीट्स बनाया है और हाथ से इसको प्रेस करके ठीक भी कर रही हूँ। और इसके बाद जो है ना, इसको मैंने पिनिंग किया हुआ है। जो साड़ी का जो अपर बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पर पिन करना है, जैसे नॉर्मल पिनिंग होती है वैसे ही पिन करना है। और ध्यान रखें कि प्लीट्स इक्वल रहे। तो जब हम टकिन करेंगे तब वो ठीक लगे देखने में। इससे क्या होगा, पूरा जो हमारा टमी सेक्शन है पूरा कवर्ड अप रहेगा और थोड़ा सा बॉडी शो नहीं होगा। हम बॉडी शो नहीं होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लाउज़ के साथ अपना सेफ्टी पिन लगा लेते हैं। लेकिन ये हम एक ट्राई कर सकते हैं, इससे भी अपना बॉडी शो नहीं होगा। जो लोग पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी बॉडी शो करना, ये देखिए मैंने अपना जो प्लीट्स है ना वो बना लिए और पिन करके टकिन करके इसको अरेंज भी कर लिया है। थोड़ा एक फ्लोई वाला लुक दे रहा है। और जो शोल्डर का जो पल्लू है, तो यहाँ पे एक मैंने पहले एक पिन अपना लगाया है। तो देखते हैं यहाँ पे पिन लगाने के बाद कैसा दिखता है अपने शोल्डर पे पिनिंग करके। तो मैं ये वाला पिन यहाँ पे एक कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे
एक रफली एक बना लें देखने के लिए कि शोल्डर पे जब हम पिनिंग करेंगे तब ये कैसा लग रहा है, क्योंकि ये शायद मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियो मैंने बनाया है, यूट्यूब में शायद ही होगा कोई जो ऐसे साड़ी ड्रेपिंग किया होगा। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको मैंने खोल दिया, और जो नॉर्मल वाली जो साड़ी की प्लीटिंग होती है ना, पिनिंग होती है शोल्डर की, तो मैंने वैसा ही कर लिया। तो नॉर्मल पिन मैंने कर लिया अपने शोल्डर पे, लेफ्ट शोल्डर पे पल्लू के साथ, और एक और पिन लेना है और इसको ब्लाउज़ के साथ ही अटैच करना है, पिन करना है, लेकिन अपने हिसाब से। इससे क्या होगा ना, बॉडी हगिंग एक लुक आएगा और हम स्लिमर भी दिखेंगे, ज़्यादा स्किन शो भी नहीं होगा और हम सही भी दिखेंगे। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया, और जो पल्लू वाला जो बॉर्डर वाला एरिया होता है उसको भी हम ले लेंगे सही से। ये देखिए ये एक फ्लोई वाला लुक दे रहा है, मुझको तो बहुत अच्छा लगा। और गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और हाथ से अच्छे से जमाते जाए प्लीट्स को। तो ये देखिए गाइस हो गया, और जो बॉर्डर है उसको बॉर्डर वाले एरिया को थोड़ा थोड़ा करके अपना प्लीट करके अपने एल्बो के पास ले लेना है, जैसे हम नॉर्मल साड़ी में करते हैं। तो ये हो गया मेरा लुक बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल भी बॉडी शो नहीं हो रहा है आप देख सकते हैं, और ज़्यादा पिंस भी यूज़ नहीं किया मैंने। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया मेरा लुक। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वाला साड़ी ड्रेपिंग कमेंट्स में बताइएगा। बाय, गुड नाइट।